हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 फरवरी, मतलब आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट है AHF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018। AHF मींस एशियन हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह को ये अवार्ड मिला है। दूसरा, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस बोट एम्बुलेंस फॉर रिमोट एरियाज। बोट एम्बुलेंस कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। थर्ड, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। न्यू प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। उनका नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह। नेक्स्ट, विच इंडियन रेलवे लाइन विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे लाइन। ठीक है, अब इंडिया में ऐसी रेलवे लाइन बनने वाली है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी। वो उसका रूट है न्यू बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन। न्यू बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन जो है आपकी, ये 465 किलोमीटर की होगी। ठीक है, 465 किलोमीटर की पूरी होगी। इसमें 30 स्टेशन्स होंगे और ये जो है ये होगी अलोंग द इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना चाइना के बॉर्डर के अलोंग ये रेलवे लाइन होगी और ये तैयार हो जाएगी हमारी 2022 तक। ओके, 2022 तक ये रेलवे लाइन तैयार हो जाएगी, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी। नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट 2019। फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट 2019 कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है? तो ये ऑर्गेनाइज कर रही है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिस्टर JP नड्डा ने। और ये कहाँ पर हो रही है समिट? ये हो रही है न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल वॉर मेमोरियल। अभी कल ही नेशनल वॉर मेमोरियल जो है इनॉग्रेट हुआ है और आर्म्ड फोर्सेस में जितने लोग शहीद हुए हैं उनके लिए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, उनके लिए वॉर मेमोरियल बनाया गया है और ये बनाया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, कल ही सबसे बड़े हाईएस्ट अवार्ड्स जो होते हैं ऑस्कर अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडिया को मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट अवार्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट अवार्ड इंडिया को मिला है। जिस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है उसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और ये इसके प्रोड्यूसर हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा और डायरेक्टर हैं रायका जहताजबी। इसके डायरेक्टर हैं और गुनीत मोंगा प्रोड्यूसर हैं इस मूवी डॉक्यूमेंट्री के। ठीक है, और ये कहाँ पर शूट हुई है? ये यूपी के हापुड़ में शूट हुई है। यूपी के हापुड़ में ये डॉक्यूमेंट्री शूट हुई है। और अगला अवार्ड है बेस्ट पिक्चर अवार्ड। कौन सी मूवी को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है? तो उसका आंसर है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक को मिला है बेस्ट पिक्चर अवार्ड। और नेक्स्ट है WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर हेपेटाइटिस इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर हेपेटाइटिस इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए कौन से इंडियन सेलिब्रिटी को चूज किया गया है? तो वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज अपडेट रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।